नमस्कार दोस्तों मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करेंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पुस्तक व लेखक 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं आशा भोसले जी की आत्मकथा स्वर स्वामिनी आशा पुस्तक की तो स्वर ने आशा पुस्तक की लेखक कौन है आशा भोसले जी हैं क्योंकि इनकी आत्मकथा है तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट है मनोज वाजपेयी पुस्तक जिसके लेखक हैं रोहित वत्स जी अब देखिए वत्स को याद करने के लिए कर लेते हैं वर्ड्स ठीक है वर्ड मतलब पक्षी होता है तो वर्ड्स यानी बहुत सारे पक्षियों की बात हो रही है और वाजपेयी में आपको एक शब्द मिल जाएगा बाज तो बाज क्या है एक पक्षी है एक बर्ड है तो आपको याद हो जाएगा कि मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है रोहित वत्स हैं ठीक है नेक्स्ट है, है कारगिल वॉर पुस्तक जिसके लेखक हैं कर्नल रविंद्रनाथ अब देखिए कारगिल में का और रा लिखा हुआ है का और रा फॉर कर्नल है ना यानी कर्नल रविंद्रनाथ तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कारगिल वॉर पुस्तक के लेखक कौन है कर्नल रविंद्रनाथ हैं नेक्स्ट पुस्तक है कॉल ऑफ द गिरी पुस्तक जिसके लेखक हैं परिमल नाथवानी तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉल ऑफ द गिरी गिरने की बात हो रही है तो आपको पता है गिरने से संबंधित एक शब्द बोला जाता है कि गिरी पड़ी है ना यानी गिर पड़ी किसी को बोलते हैं ना कि सामने वाला गिर पड़ा है तो गिरी परी परी फॉर परिमल नाथवानी तो याद हो जाएगा कॉल ऑफ द गिरी पुस्तक के लेखक कौन है परिमल नाथवानी है नेक्स्ट पुस्तक है पावर विद इन जिसके लेखक है डॉक्टर आर बालकृष्णन कैसे याद हो जाएगा यहाँ पर देखिए पावर की बात हो रही है ठीक है और बाल कृष्णन में आपको शब्द मिल जाएगा बल बाल बल बल मतलब शक्ति यानी पावर की ही बात हो रही है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पावर विद इन पुस्तक के लेखक कौन है डॉक्टर आर बाल कृष्णन है नेक्स्ट पुस्तक है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड ऑफ व्हाइट गोल्ड जिसके लेखक हैं कुलदीप गुप्ता जी कैसे याद रख सकते हैं यहां पर क्या हुआ है ब्लैक गोल्ड और वाइट गोल्ड तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर ब्लैक सोना यानी काला सोना और सफेद सोना की बात हुई जैसे काला धन और सफेद धन होता है तो कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि कोई बोल रहा है कि ब्लैक गोल्ड और वाइट गोल्ड दोनों की जानकारी चाहिए कि अपने देश में कितना है तो जाहिर सी बात है वो कुल जानकारी मांग रहा है कि कुल सोना कितना है चाहे वो ब्लैक गोल्ड हो या फिर व्हाइट गोल्ड हो तो कुल फॉर कुलदीप गुप्ता तो आप ऐसे याद रखिएगा आ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड ऑफ वाइट गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है कुलदीप गुप्ता है नेक्स्ट पुस्तक है इंडियन एयर फोर्स हीरोज कॉमिक बुक पुस्तक जिसके लेखक हैं वी आर चौधरी जी तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है इंडियन एयर फोर्स और आपको पता है एयर फोर्स के सैनिक हैं तो जाहिर सी बात है वो धारा पर कम रहेंगे धारा मतलब जमीन होता है तो धरा यानी धरती पर कम रहेंगे हवा में उड़ेंगे विमान से तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आई यानी इंडियन एयर फोर्स हीरोज कॉमिक बुक पुस्तक के लेखक कौन है वी चौधरी हैं नेक्स्ट पुस्तक है द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर पुस्तक जिसके लेखक हैं कल्पना शंकर जी अब देखिए क्या लिखा हुआ है इंटरप्रेन्योर में आपको शब्द मिल जाएगा पिन ठीक है पिन्योर पिन और यहाँ पर कल्पना में पन ठीक है पन पेना ठीक है तो आप ऐसे याद रखिएगा द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है कल्पना शंकर हैं नेक्स्ट पुस्तक है भारत के पचहत्तर महान क्रांतिकारी जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीम सिंह कैसे याद रखेंगे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है भीम सिंह और पचहत्तर महान क्रांतिकारियों की बात हो रही है और आपको पता है क्रांतिकारी हैं यानी जो हमारे देश के लिए हमें आज़ादी दिलाने के लिए लड़े हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग जो हैं वो शरीर से काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे होंगे साथ ही साथ अपने मानसिक रूप से भी मजबूत रहे होंगे मतलब वो एक तरीके से भीम जैसा शरीर उनका था तभी तो वो महान क्रांतिकारी बने तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत के पचहत्तर महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन हैं डॉक्टर भीम सिंह हैं अगली पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट्स जिसके लेखक हैं रविचंद्र अश्विन अब यहाँ पर देखिए रविचंद्र आपको शब्द मिल जाएगा तो रवि मतलब सूर्य होता है चंद्र मतलब चंद्रमा और स्ट्रीट्स मतलब क्या होता है रास्ता ठीक है स्ट्रीट मतलब रास्ता गली इसकी बात हो रही है तो आपको पता है रवि यानी सूर्य भगवान जो है सभी रास्तों तक बराबर पहुंचते हैं सूर्य भगवान की जो किरण है सभी रास्तों तक पहुँचती है तो आप ऐसे याद रखिएगा आई हैव द स्ट्रीट्स पुस्तक के लेखक कौन है रविचंद्र अश्विन है अगली पुस्तक है द एडवेंचर ऑफ एडा मम्मा पुस्तक जिसकी लेखक है आलिया भट्ट जी कैसे याद रखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है द एडवेंचर ऑफ एडा मम्मा तो मम्मा से आपको याद हो जाएगा एक डायलॉग कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा नहीं गब्बर सिंगा जाएगा और गब्बर सिंह का साथी कौन था कालिया था तो कालिया से आलिया भट्ट क्योंकि जब गब्बर सिंह आएगा तो कालिया भी आएगा तो आपको याद हो जाएगा कि ऐसा मम्मा बोलती थी तो एडवेंचर ऑफ एडा मम्मा पुस्तक की लेखक कौन है आलिया भट्ट हैं नेक्स्ट पुस्तक है अफ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक जिसकी लेखक है कल्पना किला वाला अब देखिए यहाँ पर किला वाला में आपको स्टार्टिंग में शब्द मिल जाएगा वाला वाला फॉर वॉल ठीक है यहाँ पर आर बी आई वॉल लिखे वॉल फॉर वाला हो जाएगा तो याद रखिएगा अप्लाई ऑन द आर बी आई वॉल पुस्तक के लेखक कौन है कल्पना किला वाला है नेक्स्ट पुस्तक है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स पुस्तक जिसके लेखक हैं विल गेट्स कैसे याद रखेंगे यहाँ पर देखिए सोर्स कोड की बात हो रही है और आपको पता है आजकल के जो गेट हैं वो कोड से खुलते हैं या फिर आई स्कैनर फिंगर स्कैनर कुछ भी लगा हुआ है तो मुख्य रूप से एक कोड डालना पड़ता है तब अब मॉडर्न गेट खुलते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि सोर्स कोड माई बिग्नि पुस्तक के लेखक कौन है विल गेट्स हैं अगली पुस्तक है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी जिसके लेखक है रमन मित्तल एंड सीमा सिंह जी स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है जिसका मतलब होता है अध्यात्म और रमन में आपको एक शब्द मिल जाएगा रावण और आपको पता है रावण जो था वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से संबंधित था है ना रावण जो था अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ था वो बहुत पूजा पाठ करता था तो आप ऐसे याद रखिएगा द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी पुस्तक के लेखक कौन है रावण फॉर रमन मुत्तल और सीमा सिंह अगली पुस्तक है द विनर्स माइंड सेट जिसके लेखक है सेन वाटसन तो यहां पर देखिए माइंड सेट ठीक है और वाटसन को याद करने के लिए कर लेते हैं वैट्समैन तो आपको पता है बैट्समैन जो है स्टार्टिंग में जब आता है मैदान में तो जाहिर सी बात है वो सेट नहीं हो पाता लेकिन जब वो बीस से पच्चीस गेंद खेल लेता है तो सेट हो जाता है तो ऐसा मानिए कि बैट्समैन जो होता है वो मैदान में धीरे धीरे सेट होता है तो आपको याद हो जाएगा कि द विनर्स माइंड सेट पुस्तक के लेखक कौन है सेन वॉटसन है अगले पुस्तक है एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मोंक जिसके लेखक हैं इंद्रद्युम स्वामी अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मोंक मोंक मतलब होता है साधु ठीक है साधु की बात हो रही है और यहाँ पर देखिए स्वामी तो साधु को स्वामी जी भी बोलते हैं ना तो आपको याद हो जाएगा एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है इंद्रद्युम्न स्वामी जी हैं अगली पुस्तक हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा है जिसके लेखक हैं श्रीधरन पिल्लई अब देखिए हेवेनली में आपको एक शब्द मिल जाएगा वाइन ली ठीक है वेनली वाइन ली वाइन लेने की बात हो रही है फिर आइसलैंड में आइस तो वाइन में आइस डाला फिर उसके बाद क्या करते हैं पीते हैं या फिर पिलाते हैं तो वाइन में आइस डाली और पिलाई पिलाई फॉर पिल्लई यानी श्रीधरन पिल्लई तो याद रखिएगा हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक कौन है श्रीधरन पिल्लई है नेक्स्ट पुस्तक है नाइफ जिसके लेखक हैं सलमान रुसदी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि सलमान खान को नहीं मिली है वाइफ से हो जाएगा नाइफ और याद हो जाएगा आपको ऐसे कि नाइफ पुस्तक के लेखक कौन है सलमान रुसदी हैं नेक्स्ट पुस्तक है जस्ट अ मर्सनरी मतलब बस एक भाड़े का सैनिक जिसके लेखक है दुबुरी सुब्बा राव अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है बस एक भाड़े का सैनिक तो मान लीजिए कोई देश है जो कि भाड़े का सैनिक खड़ा करता है और भाड़े का सैनिक अगर खड़ा होगा तो जैसे ही बमबारी होगी क्योंकि दुब्वरी में आपको शब्द मिल जाएगा वरी यानी बम बारी ठीक है वरी फॉर बम बारी करते हैं तो जाहिर सी बात है जैसे ही गोलीबारी होगी या फिर बम बारी होगी तो भाड़े का सैनिक भाग जाएगा है ना जो भाड़े के सैनिक होंगे वो खड़े नहीं होंगे कहाँ बम बारी में तो आपको याद हो जाएगा कि जस्ट अ मर्सनरी यानी बस एक भाड़े का सैनिक पुस्तक के लेखक कौन है दुबरी सुब्बारा या फिर भाड़े का जो सैनिक है बमबारी होगा गोलीबारी चलेगी तो चाहे सी बात वो दुबक जाएगा तो दुबकना से भी आपको दुबुरी याद हो जाएगा नेक्स्ट पुस्तक है इंडिया द रोड टू रेनेसम पुस्तक जिसके लेखक हैं भीमेश्वर चल्ला कैसे याद रखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है इंडिया द रोड टू रेनेसम यानी रोड की बात हो रही है और रोड में क्या करते हैं चला जाता है ना रोड में चला जाता है तो चला फॉर चल्ला है ना तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंडिया द रोड टू रेनेसम पुस्तक के लेखक कौन है भीमेश्वर चल्ला है नेक्स्ट पुस्तक है लोकतंत्र का विचार जिसके लेखक है सैम पित्रोदा जी कैसे याद रखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पित्रोदा में पेत्रो यानी प्रेत की बात हो रही है और लोकतंत्र में आपको शब्द मिल जाएगा तंत्र तंत्र विद्या की बात तो आपको पता है भूत प्रेत के लिए तंत्र विद्या संबंधित है यानी तांत्रिक लोग आते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि लोकतंत्र का विचार पुस्तक के लेखक कौन है सैम पित्रोदा है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला है स्क्लप्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम जिसके लेखक हैं अश्विन प्रभु जी कैसे याद रखेंगे यहाँ पर देखिए स्क्लप्टेड स्टोन शब्द लिखा हुआ है स्क्लप्टेड स्टोन का मतलब होता है तराशे गए पत्थर यानी जो पत्थर तराशे जाते हैं उनकी बात हो रही है और तराशे गए पत्थर से कौन बनते हैं भगवान बनते हैं तो भगवान और अश्विन प्रभु में आपको शब्द मिल जाएगा प्रभु तो भगवान मतलब प्रभु ही होता है तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि स्क्लप्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम पुस्तक के लेखक कौन है अश्विन प्रभु हैं नेक्स्ट है फूल बहादुर जो कि एक मगही उपन्यास है और इसका अंग्रेजी अनुवाद अभी हाल ही में किया है अभय है केनी तो कैसे याद रखेंगे यहाँ पर देखिए फूल बहादुर यानी फूल बहादुर है कोई कोई व्यक्ति जो है वो फूल बहादुर है मतलब पूरा बहादुर है तो जाहिर सी बात है अगर वो फूल बहादुर है तो उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा भय नहीं लगेगा मतलब अभय है तो अभय से अभय के तो याद रखिएगा फूल बहादुर जो कि एक मगही उपन्यास है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है अब है के ने फिर अगली पुस्तक है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शडो ऑफ ए और इसकी लेखक है मधुमिता मुंगिया जी कैसे याद रखेंगे यहाँ पर देखिए कोड डिपेंडेंट मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी चीज़ है जो कि कोड पर डिपेंड करती है मान लीजिए आपको मोबाइल है और उसको अनलॉक करने के लिए कोड की जरूरत पड़ रही है तो जाहिर सी बात है वो कोड पर क्या है डिपेंड है या फिर मान लीजिए कहीं ऑफिस है वो कोड पर उसका गेट खुलता है तो कोड पर डिपेंड है तो अगर कोड पर कुछ भी चीज़ डिपेंड है तो जाहिर सी बात है जब आप उसको खोलने की कोशिश करोगे तो वो कोड मांगेगा तो कोड मांगेगा मांगना फॉर मुंगिया कोड मांगना मांगना मुंगिया तो याद रखिएगा पैसे कि कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शडो ऑफ ए पुस्तक की लेखक कौन है मधुमिता मुंगिया है इसके बाद अगली पुस्तक है फ्रॉम आकार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड और इसके लेखक हैं एम रमन जी तो रमन को कर लेते हैं रावण रामन रावण रावण की बात हो रही है और यहाँ पर कॉर्नर को कर लेते हैं वानर वानर शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉर्नर में तो आपको पता है सभी वानरों ने लंका पर आक्रमण किया था राम जी के साथ या फिर हनुमान जी वो भी वानर थे तो उन्होंने पूरी लंका को रावण की लंका थी उसको समाप्त कर दिया था तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रोम एट बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है एम रमन है नेक्स्ट है एआई नेशनल सिक्योरिटी जिसके लेखक हैं सीडीएस अनिल चौहान तो अनिल में आपको शब्द मिल जाएगा आ नी यानी आने की बात हो रही है और एआई नेशनल सिक्योरिटी में आपको ऐसा शब्द मिल जाएगा कि जैसे कोई बोल रहा हो कि ये आई नेशनल सिक्योरिटी मतलब ए आई तो हो जाएगा ये आई नेशनल सिक्योरिटी तो ये आई मतलब आने की ही बात हो रही है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ए नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है सी अनिल चौहान हैं फिर अगली पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से उन्नीस जिसके लेखक हैं हेमंता विश्वास शर्मा तो असम शब्द यहाँ पर मिल जाएगा ना तो आपको पता है असम में शब्द आपको मिल जाएगा आसमान और आसमान जो है वो पूरे विश्व के सर में रहता है है ना आसमान जो है पूरे विश्व के सर के ऊपर है तो विश्व का सर यानी विश्वा शर्मा तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं हेमंता विश्वा शर्मा जी फिर अगली जो पुस्तक है वो है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ जिसके लेखक है रोमेश भट्टाचार्य तो कैसे याद रखेंगे कश्मीर ट्रेवल करने की बात हो रही है तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल कर रहा है तो मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश का हूँ और मैं मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर जाऊँ ट्रेवल करने के लिए तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रोमिंग लगेगा मध्य प्रदेश की सिम लेकर जाऊँगा तो वहाँ पर रोमिंग लगेगा तो रोमिंग फॉर रोमेश भट्टाचार्य तो आपको याद हो जाएगा कि कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं रोमेश भट्टाचार्य हैं या फिर दूसरा तरीका यहाँ पर पैराडाइज डाइस को करते हैं राइस और भट्टाचार्य में यहाँ पर भात और आचार्य शब्द मिल जाएगा तो राइस को भात भी बोलते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक रोमेश भट्टाचार्य हैं फिर अगली पुस्तक है सलोइंग द सन जिसके लेखक हैं लक्ष्मी मुरदेश्वर पुरी जी तो सुलौंग द सन मतलब सूर्य को निगलना होते हैं ठीक है स्वलौंग मतलब होता है निगलना मतलब सूर्य को निगलना और मुर्देश्वर में आपको शब्द मिल जाएगा मुदे मुदना मतलब ढकना होता है तो आपको पता है अगर सूर्य को निगल लिया जाए जैसे कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था तो सूर्य क्या हुए थे ढक गए थे कुछ समय के लिए मतलब मुद गए थे तो मुदना फॉर मुर्देश्वर पुरी तो याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी हैं नेक्स्ट है डबलिन इन डिप्लोमेसी जिसके लेखक हैं एस डी मुनी जी कैसे याद रखेंगे डबलिन में आपको शब्द मिल जाएगा डविन डबिंग करना आपको पता है जैसे साउथ की फिल्में होती हैं तो उनकी आवाज़ को बंद करके हिंदी में डबिंग कर दी जाती है तो आप ऐसा कह सकते हो कि उनकी जो रियल आवाज़ होती है उसको मौन कर दिया जाता है उसके बाद दूसरी आवाज़ डाली जाती है हिंदी इंग्लिश या फिर कुछ भी तो हिंदी इंग्लिश डालने के लिए उनकी जो आवाज़ उसको बंद करना पड़ता है मौन करना पड़ता है तो मौन फॉर मुनी तो याद रखिएगा कि डबलिन इन डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक कौन है एस डी मुनि है फिर अगली पुस्तक है महास्वप्नी कुडू जिसके लेखक हैं पी विक्रम तो स्वप्नी कुडू यानी स्वप्न की बात हो रही है और कुडू में कर लेते हैं कूदू मतलब कूदने की बात तो ऐसा समझे कि कोई अगर स्वप्न में कहीं से कूद रहा है मतलब ऐसा कुछ कह सकते हो आप कि स्वप्न में इंसान क्या होता है वीक होता है उसके साथ कुछ भी हो जाए इंसान कुछ नहीं कर सकता अपने सपने में है ना और सपने से जाग गया तो वो बात अलग है कि हकीकत में आ गया लेकिन जब तक वो सपने में रहता है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है वो अपने आप को एकदम वीक महसूस करता है कोई भी एक्शन खुद से नहीं कर सकता तो वीक फॉर विक्रम तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महास्वप्नी स्वप्नी कुडू पुस्तक के लेखक कौन है पी विक्रम है इसके बाद अगली पुस्तक है गांधी अलाइफ इन थ्री कैंपेन्स जिसके लेखक हैं एमजी जी अकबर एंड नटवार सिंह कैसे याद रखेंगे गांधी के बाद यहाँ पर थ्री शब्द लिखा हुआ है गांधी और थ्री तो गांधी जी के तीन बंदर थे जो बोलते थे बुरा मत देखो बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो मतलब कोई बंदर जो था वो अपनी आँख कवर करके रखता है कोई मुंह कवर करके रखता है कोई कान कवर करके रखते हैं तो कवर करके रखते हैं कवर फॉर अकवर और नटवर में भी आपको नटवर कवर शब्द आपको मिल जाएगा या फिर बंदर जो है वो नटखट होते हैं तो आपको ऐसे नटवर याद हो जाएगा तो आप ऐसे याद रखिएगा गांधी अलाइफ इन थ्री कैम्पियंस पुस्तक के लेखक कौन है एम जी अकबर एंड नटवार सिंह हैं फिर अगली पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर जिसके लेखक हैं संजीव जोशी जी तो ऐसा मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति बोला है कि एक समंदर मेरे अंदर है मतलब कोई समंदर है जो एक जो कि एक व्यक्ति के अंदर है तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एक समंदर को अपने अंदर कर ले तो समंदर के जीव कहाँ जाएंगे वो भी तो उसी के अंदर जाएंगे है ना तो समंदर के साथ समंदर के जीव भी अंदर जाएंगे तो जीव फॉर संजीव जोशी तो याद रखिएगा कि एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है संजीव जोशी है नेक्स्ट है कन्वर्सेंसस विथ औरंगजेब जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है नंदिनी कृष्णन द्वारा कैसे याद रखेंगे औरंगजेब में आपको शब्द मिलेगा और रंग रंग की बात हो रही है रंग खेलने के लिए कृष्ण कन्हैया फेमस है तो कृष्ण फॉर कृष्णन तो याद रखिएगा आप ऐसे किस पुस्तक के लेखक कौन है नंदनी कृष्णन जी हैं नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण कृष्ण मूर्ति जिसकी लेखक है चित्रा बनर्जी तो यहाँ पर लव शब्द आपको मिल जाएगा और लव शब्द जैसे ही दिमाग में आता है तो हमेशा हार्ट का चित्र दिमाग पे जाता है तो हार्ट का चित्र लव शब्द सुनते ही आ जाता है तो चित्र फॉर चित्रा बनर्जी तो याद रखिएगा कि एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधाई नारायण कृष्णमूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है चित्रा बनर्जी जी, जी हैं फिर अगली पुस्तक है भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा और इसके लेखक हैं जया जेटली जी कैसे याद रखेंगे यहाँ पर देखिए प्रेरणा और प्रेरणा हमेशा व्यक्ति उसी को बनाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में जीत ले है ना अपने क्षेत्र में जो बढ़िया से जीत ले उसी को प्रेरणा बनाते हैं तो जीत ले फॉर जेटली तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा पुस्तक की लेखक कौन है जया जेटली जी हैं नेक्स्ट है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत जिसकी लेखक हैं गीता सिंह और आरिफ खान भारती जी कैसे याद रखेंगे यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत तो आपको पता है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो राम मंदिर के लिए कई सारे गाने बने है ना जैसे कि राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी ये सब करके तो राम भगवान के मंदिर के उद्घाटन के समय बहुत सारे गीत आए राम भगवान से संबंधित तो गीत फॉर गीता सिंह और पूरी दुनिया ने तारीफ़ भी की तो तारीफ फॉर आरिफ खान भारती तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इस पुस्तक की लेखक कौन है गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती फिर अगली पुस्तक है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी यानी भाग के किस्मत के चार तारे जिसके लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे कैसे याद रखेंगे यहां पर देखिए मुकुंद में आपको शब्द मिल जाएगा कुंद मतलब कूदने की बात और स्टार्स यानी जो तारे होते हैं आपने देखा होगा वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं मतलब एक बार वो जलते हुए दिखते हैं फिर बुझ जाते हैं फिर जलते हैं फिर बुझ जाते हैं टिमटिमाते रहते हैं तो जलना बुझना लगा रहता है तो ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पर कूद रहे हों है ना एक ही जगह पर कूद रहे हो तो कूदना फॉर मुकुंद यानी मनोज मुकुंद नरवणे तो आप ऐसे याद रखिएगा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है मनोज मुकुंद नरवणे हैं फिर अगली पुस्तक है संस्कृति के आयाम जिसके लेखक हैं मनोरमा मिश्रा जी तो संस्कृति की बात हो रही है और आपको पता है हमारी जो संस्कृति हमारे भारत की जो संस्कृति है वो राम और कृष्ण की संस्कृति है यहाँ पर हमेशा राम और कृष्ण को फॉलो किया जाता है तो उनकी ही संस्कृति है तो राम फॉर मनोरमा रमा शब्द आपको मिल जाएगा ना तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संस्कृति के आयाम पुस्तक की लेखक कौन है मनोरमा मिश्रा हैं फिर एक लास्ट पुस्तक बचती है वो है असम के व्रेव हट लाचित वरफूकन जिसके लेखक हैं अरूप कुमार दत्ता अब देखिए यहाँ पर लचित को कर लेते हैं लालची लचित लालची और लालची व्यक्ति जो है वो हमेशा सोचता है कि सामने वाला कोई भी चीज़ दे दे तो दे दे मतलब दाता है ना दे दे दाता आपको दाता फॉर दत्ता याद हो जाएगा तो आप ऐसे याद रखिएगा कि असम के ब्रेव हार्ट लाचित बर्फूकन पुस्तक के लेखक कौन है अरूप कुमार दत्ता है तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ अगर आप इसका एम टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्वीज़ और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है वहाँ पर मैं आपको सभी वीडियो के फ्री में क्वीज़ सॉल्व करवा देता हूँ तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद